आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और नायलॉन 6-6 का कौन है? हेक्सामिथाइलिन, डाइएमीन और एडिपिक एसिड। क्लियर? चलो अब हम देखेंगे जनरल मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कि जो हमने मोनोमर को जोड़ के पॉलीमर बनाया था ना, तो उसका मेथड क्या है। क्लियर? तो उसके अंदर पहला लिखना है अपने को एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पहला है एडिशन भी करा दिया हूं, फिर भी लिखो। ये देखो वो एडिशन पॉलीमर था या एडिशन पॉलीमराइजेशन है, बनाने की प्रोसेस है ना। एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर अपने को लिखना है ए, इसके अंदर अपने को लिखना है ए, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इसके अंदर लिखना है ए, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इसका एग्जाम्पल है C6 जरूरत जो है। एक सेकंड रुक जाना, बेंजोइन परोक्साइड, बेंजोइन परोक्साइड। देखो अब ये क्या है, जैसे ये हमारा हो गया बेंजोइल परोक्साइड, क्या हो गया बेंजोइल परोक्साइड। इधर का एक हो गया CO2, एक इधर का हो गया CO2। क्लियर? ये वाला हमारा दोनों कॉमन कॉमन बॉन्ड है। हमको क्या देखना है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है। तो यदि ये दोनों फ्री रेडिकल ये भी निकल जाए और ये भी निकल जाए, हम दोनों एरो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि दोनों बनाएंगे मतलब पूरा, इसका मतलब आधा। यदि दोनों निकल जाए तो ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नोट करते जाओ C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ C6H5। मतलब ये आगे चल के कुछ ऐसा हो जाएगा C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल से C6H5 फेनाइल रेडिकल, ये हो जाएगा फेनाइल रेडिकल। ये हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? C6H5 में जब भी मतलब C6H5 ऐसा होता है, देखो इसकी एक बैलेंसी में कुछ और जोड़ना होता है, कुछ भी जोड़ दोगे तो हम उसको फेनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनाइल। तो यहाँ से कुछ ऐसा जुड़ा है सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ना वो रियल में ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसको भी हम बोलेंगे फेनाइल, फेनाइल फ्री है ना रेडिकल। नोट कर लो। दूसरा हमारा है पहले फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और इसका बी सेकंड एग्जांपल है इसका सेकंड एग्जांपल हो जाएगा चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। सीखना है मैंने क्या किया, एन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये दो किसी एक में शिफ्ट होगा, मतलब कि CH2 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 CH2, मतलब ये हमारा क्या हो गया चैन, यहाँ पे बहुत सारा रहेगा, मतलब ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा CH2 CH2। यदि मैं यहाँ पे N लिख दूँ,
इसका मतलब क्या है, बहुत सारे, क्लियर। तो हमारा देखो था पॉलीमराइजेशन, मतलब कि पहले हम डायरेक्ट बना रहे थे, इस बार हमको स्टेप बताना है कि हम हर स्टेप में सी एच टू जोड़ते जा रहे हैं, तो ये वाला प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन। इसका कोई फिक्स नहीं है, तुमको जितनी बड़ी पॉलीथीन लेना है उतना ज्यादा लंबा करते रहो, छोटी लेना तो छोटे कर दो, बड़ी लेना है ये एन, मतलब कि जितना आपको जरूरत है आप लेते रहो, क्लियर। नोट कर लो, सेकेंड एग्जाम्पल, एक और है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सीधे लिख दो, जो मैंने लिखवा दिया था, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड, ये मिलके बनाता है नाइलॉन 6-6, तो ये आपस में कंडेंस होते हैं, क्लियर। हेड डाल दो एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी भी अपन लिखते जाएंगे, क्लियर। तो एडिशन पॉलीमर में पहला लिखो पहला हमारा पॉली एल्कीन, पॉली एल्कीन, पॉली एल्कीन इन दीज एडिशन पॉलीमर, लिखो पॉली एल्कीन में, इन दीज एडिशन पॉलीमर, इन दीज एडिशन पॉलीमर द मोनोमर यूनिट आर, इन दीज एडिशन पॉलीमर द मोनोमर यूनिट आर एल्कीन एंड देयर डेरिवेटिव, एल्कीन, एल्कीन एंड देयर डेरिवेटिव अ फ्यू इंपॉर्टेंट, अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉली एल्कीन, अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉली एल्कीन पहला है पॉलीथीन, पहला है पॉलीथीन। अब ये पॉलीथीन ना दो टाइप्स की होती है, एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन एक होती है, एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्लियर। तो पहले लिख दो पॉलीथीन हमारी दो टाइप्स की है, ठीक है। ये जो पॉलीथीन है एथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीथीन, और पॉलीथीन दो टाइप्स का है, सीधे याद रखो, एक हमारा होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी। तो पहले लिखो लो डेंसिटी पॉलीथीन, लिखो व्हेन एथीन इज हीटेड टू, व्हेन एथीन इज हीटेड टू 473 केल्विन टेम्परेचर एंड 1500 एटीएम प्रेशर, एंड 1500 एटीएम प्रेशर फॉर्म आ लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो अपन क्या करते हैं, यदि एथीन को, किसको, यदि एथीन को अपन 473 केल्विन टेम्परेचर और 1500 प्रेशर एटीएम में यदि हम फॉर्म करते हैं, तो जो हमारा पॉलीथीन बनेगा ये पॉलीथीन कैसा होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, कैसा होगा, लो डेंसिटी। नोट कर लो एग्जांपल,
इसकी प्रॉपर्टी भी लिखना है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की दो तीन प्रॉपर्टी लिखना है। लिखो प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन अकर थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, पॉलीमराइजेशन अकर थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेकेंड लिखना है इट हैज द ब्रांच स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इट इज अ ट्रांसपेरेंट पॉलीमर। यूजेज लिखो, यूजेस लिखो, इट इज यूज इन मेकिंग थिन प्लास्टिक फिल्म, इट इज यूज इन मेकिंग इट इज यूज इन मेकिंग थिन प्लास्टिक फिल्म बैग। मेकिंग थिन प्लास्टिक फिल्म बैग एंड इंसुलेटर इलेक्ट्रिक वायर, एंड इंसुलेटर इलेक्ट्रिक वायर। एंड केबल। अब हेडिंग डाल दो, हाई डेंसिटी। सेकंड है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में हम क्या करते हैं, इस बार ये हमारा जो एथीन है, एथीन को अपन क्या करते हैं, 333 से 343, 333 से 334 केल्विन टेम्परेचर पर 6 to 7 atm प्रेशर लेते हैं, क्लियर। और हम इसमें ये कैटलिस्ट भी मिला देते हैं, C2H5 का होल थ्राइस एयर प्लस TiCl4, तो जो हमारा बनेगा इस बार ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। क्या बनेगा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नोट कर लो। कर लिया नोट, ये लिखो। इसके अंदर पहले प्रॉपर्टी लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर चैन, इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर चैन। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, इट इज ट्रांसल्यूसेंट विथ हायर टफनेस, इट इज ट्रांसल्यूसेंट विथ हायर टफनेस, हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब लिखो यूजेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब लिखो यूजेस,
इट इज यूज अ मेकिंग पाइप बॉटल इट इज यूज इज मेकिंग पाइप बॉटल बकेट पाइप बॉटल बकेट एंड टॉयज टॉयज खिलौने। फिर इसकी प्रॉपर्टी लिख दो, इसी का प्रॉपर्टी लिख दिया ना, ठीक है। तो नई हेडिंग डालो, पॉलीप्रोपीन। नहीं ये अलग से हो गया, पॉलीप्रोपीन। पहला था पॉली एल्कीन, अब दूसरा है पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन में हम क्या करते हैं, ये लिए हैं प्रोपीन, अब प्रोपीन को हम परोक्साइड या जिगलर नाटा की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा भी बनता है पॉली प्रोपीन ऐसा। तो ये इसका मोनोमर है, ये इसका पॉलीमर है। नोट कर लो फटाफट, स्टाइरीन या पॉली स्टाइरीन, पॉली स्टाइरीन। प्रोपीन, प्रोपीन को परोक्साइड और जिगलर नाटा के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा पॉलीप्रोपीन। इसकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, इट इज अ गुड ट्रांसपेरेंट पॉलीमर। प्रॉपर्टी लिख दीजिए, इट इज स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन पॉलीथीन, ऐसा है कर दो। इट इज स्ट्रोंगर एंड हार्डर देन पॉलीथीन, हार्डर देन पॉलीथीन। अब इसके यूजेज लिखो, पॉलीप्रोपीन के यूजेज। लिखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रोंगर पाइप एंड बॉटल स्ट्रोंगर पाइप एंड बॉटल सीट कवर कारपेट फाइप कारपेट सीट कवर कारपेट सीट कवर कारपेट फाइबर फाइबर एक्सेट्रा। अब देखो, अब ये हमारा आएगा स्टायरोन या पॉली स्टाइरीन, तो हम ये लिए स्टाइरीन है ना, और इसको परोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इधर एन आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा पॉली स्टाइरीन। इसी का सब में सेम है, इसका मोनोमर बार बार रिपीट करोगे तो ये बन जाएगा। और सुनो, यदि बोल दिया इसी का पॉलीमराइजेशन करवाओ तो क्या करो, इसी को बार बार जोड़ते जाओ, ये एन हटा दो, बार बार जोड़ते जाओ, समझ गए, लिख लो, नोट हो गया। जो लाइन काटे थे तो उठा के यहाँ चिपका लो। इट इज अ गुड प्रॉपर्टी इसकी, इट इज अ गुड ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, इसकी प्रॉपर्टी, इट इज अ गुड ट्रांसपेरेंट पॉलीमर।